दोस्तों, बारिश के बाद टेरिस गार्डन में क्या करना चाहिए कि पौधा आपका खराब ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे, यानी टेरिस पे जितना आप गार्डन है आपका, जितना भी फूल फ्रूट का प्लांट है, तो उस प्लांट के बारिश के बाद क्या करना चाहिए कि आपका प्लांट एक भी खराब ना हो। दोस्तों, जब भी बारिश हो तो बारिश के बाद आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि किस गमला से पानी डैमेज नहीं हो रहा, मतलब उसकी स्टा पानी नहीं निकाल पा रहा है। तो उसमें क्या करना, गमले के नीचे जो छेद होता है उसमें टुकड़ा लगा हुआ गमले के, तो उसको आपको थोड़ा सा कोई से हाथ से उसको थोड़ा सा हिला देना, तो उससे क्या होगा, स्टा पानी जितना है उतना निकल जाएगा। अगर स्टा पानी गमले के नहीं निकाल पा रहे बारिश के बाद, तो आपका प्लांट के जड़ सड़ के आपका प्लांट मर सकता है दोस्तों। तो एक्स्ट्रा पानी आपको निकालना है, इतना ध्यान देना है। जिस गमला में आपको एक्स्ट्रा पानी नहीं निकाल पा रहा है उसमें आपका निकाल देना है, और एक्स्ट्रा पानी नीचे से जहाँ पे होल होता है वहीं से निकालता है दोस्तों। टेरिस गार्डन में आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना है, अगर पानी में एक्स्ट्रा पानी उसमें रुका रहेगा तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारा बारहमासी नींबू का प्लांट है, इसमें अभी भी फूल आ रहा है, ये गन्ने के प्लांट है दोस्तों। तो इस प्लांट आप जब भी देखेंगे कि बारिश के बाद हरा भरा कितना आता है, ये हमारा एक हफ्ता पहले बारिश नहीं हुआ था, सिर्फ दो बारिश हुआ है, जो कि एक हफ्ता पहले हुआ था, आज सुबह मॉर्निंग में फिर बारिश हुआ है। तो दोस्तों, इस एक ही बारिश से काफ़ी प्लांट हरा भरा। दोस्तों, छोटी अगर कोई प्लांट है आपके पास जो बीफ से हुआ है आप छोटे गमले में, वो पौधा अगर छोटा छोटा है तो वो बारिश के बूंदे अगर गिरता है तो प्लांट नरम के वजह से ख़राब हो जाता है। तो उस प्लांट को आपको रखना है कि ऊपर से आधा ढक के रखना है, कि सीधा बारिश कोई तिरछा टाइप में बना लेना पन्नी डाल के, कि आधा बारिश के जितना पानी वो गिर जाए, लेकिन आपका इसमें जितना भी प्लांट है वो उसमें डायरेक्ट धूप भी लगे और डायरेक्ट बारिश के बूंदे भी ना गिरे। तो इससे क्या होता है, देखिए हमारे इस गमले में काफ़ी प्लांट था, ख़राब हो गया, अचानक बारिश होने लगे थे सुबह करीब 3-4 बजे मॉर्निंग में, तो उस समय हमने ध्यान नहीं दिया कि बारिश हो रहा है। तो बाद में हमने देखा है काफ़ी सारा बारिश हुआ है, प्लांट ख़राब हो गया। तो छोटे प्लांट को आपको ढक के रखना है ऊपर से, और ऐसा ढकना कि हवा भी लगे उसमें, एक तरफ ढकना एक तरफ खुला रखना दोस्तों। तो ये मेरा शिमला मिर्च का प्लांट, काफ़ी बड़ा प्लांट है, और भी इसमें फूल का प्लांट है और बैंगन का प्लांट है। तो आपका छोटा प्लांट का खास करके ध्यान देना कि उसको एक तरफ ढक के आप जरूर रखेंगे, नहीं तो आपका प्लांट जो बीज से उगा है तो वो ख़राब हो जाएगा। तो ये मेरा सहजन का प्लांट है, काफ़ी सारे प्लांट इसमें हरा भरा बन गया है, और ये भी छोटा एक कुछ बड़ा हो गया प्लांट है, तो लाल साग भाजी के, लेकिन ये प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया, इसमें कोई डायरेक्ट अगर पानी गिरता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। और दोस्तों, ये मेरा गन्ने का है, फिर दो प्लांट है, तो इसमें नींबू का बारहमासी का प्लांट है। तो इसे बारिश के बाद आपको इतना ज़रूर ध्यान देना है कि आपको देखना है कि कोई गबला से क्या निकाल रहा है क्या। ये देखिए हमारा अमरूद का प्लांट है, बारहमासी अमरूद है इसमें, इसमें मतलब ऑल टाइम प्लांट है, इसमें ऑल टाइम अमरूद आता है। तो इसमें हम पूनिंग किए थे अभी जल्दी में, तो ये पूनिंग अभी करने से क्या है, हमारा ठंडी में फल आएगा इसमें। देखिए दोस्तों, इसमें छोटे प्लांट को हम कैसे ढक के रखें, एक तरफ हमने ढक के रखा वो भी तिरछा करके, कि पानी सारे उधर से गिर जाए और हवा भी लगे धूप भी लगे।